मेरा सबसे गुजारिश है, दीज आर ऑल यंग अचीवर्स, कैन यू प्लीज स्टैंड अप टू गिव देम बिग एप्लॉज। आपके बच्चों के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बच्चों का हौसला बढ़ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों के सभी पेरेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे ड्रॉइंग। ग्रीन कलर किसके पास है? ग्रीन कलर अच्छा करो। एबीसी आता है? एबीसी लिखने, हाँ लिखो। आपका स्केच पेन कहाँ गया? इधर गया। ठीक है और एक दे दें। यहाँ बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन चल रही है। जो कल्पना है ये साफ सीखने के लिए ये होता है कि आप बहुत अच्छी सर्विस करते हो, बहुत अच्छी सर्विस देते हो तो आप ऊपर की पादान पर चले जाते हो उसमें। लेकिन कभी क्या होता है कि ऐसी आपसे गलती हो जाती कि आप साफ के मुंह पे पड़ गए, तो आपका जो बढ़िया जो इतना ऊपर गया था वो कुछ क्षणों की वजह से वो पूरा नीचे आ गया। तो ये होती है सिग्नल पासिंग एट डेंजर, जो है रेलवे से सबसे लोकप्रिय जरूरी बात है वो सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो ये जब स्थिति कब होती है, जब वहां पर है अलर्टनेस का, अवेयरनेस का, और ये मुद्दे जब भी आते हैं तब ये स्थिति होती है। तो हमेशा लोकप्रिय को सजग रहना है। तो ये सजगता रखने के लिए आपको आपकी मानसिक स्थिति और सबसे पहला है आपका रेस्ट। इस पे आप कमेंट्स करोगे इसमें कि एडिक्वेट रेस्ट नहीं होता है, तो जो है रेलवे में जो है मिनिमम जो आपको अलॉट किया है 16 घंटों का रेस्ट अलॉट किया है जब भी आपकी ड्यूटी खत्म करके आते हो, तो एडिक्वेट आपको जो है उसी में मैनेज करना है, उसी रेस्ट में जो 16 घंटे की रेस्ट है उसी में अपने आपको तैयार, क्योंकि आप नहीं जानते हो शायद या महिला इसको जानती नहीं, बट जो लोगों का अगर जानता है कि सुबह की जो 4 बजे गाड़ी चलती है और सुबह सिग्नल लगता है उसका जो ब्रेक सिस्टम पे हाथ रह जाता है, लास्ट मोमेंट में जो है उसका नींद का इतना आलम आ जाता है कि लास्ट मिनट में उसके हाथ से चूक हो जाती है और सिग्नल पास हो जाता है। तो सिग्नल पास का अर्थ है बहुत ध्यान रखता है इसमें, तो ये जो है इसलिए उसकी एडिक्वेट रेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड जो टॉपिक हमने अपनी आपसे चढ़ा था ब्रेक डाल देता है, तो ब्रेक डाल का केस का एक है और दूसरा मैं इसमें बताऊंगा कि यू शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। मतलब ऐसे आपने कोई टॉक्सिन ले लिया, आपको बुखार का, आपने ऐसी कोई टैबलेट ले लिया जिसके वजह से आपके ऊपर नींद का आलम चलता है, तो वो भी आपको संभालना है। अगर किसी वजह से ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको जो है सहायक का जो है हम सहायक यहाँ सहायक
मानते हैं, इट इज अवेशन ट्रेनिंग कि आपको सिखाओ, जो समय है ये आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आगे चलाने में आपको डायरेक्ट रेल का संचालन करना है। तो जो ये चीज एक इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज है, हमने जो है अभी कुछ घटना ऐसी हुई कि ध्यान भटकने वाली चीजें हुई, जिसमें आप जिसमें पाया गया कि लोगों पायलट में उसने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। तो मोबाइल का जब इस्तेमाल कर रहा था, तो अपन उसमें खोए हुए का जो हमारा मेन दृष्टि है सिग्नल का, या कोई चीज और चीज है जिसमें कोलाइड होने वाला था, लेकिन आपके अवेयरनेस की वजह से वो कोलिजन बच सकता है। इसलिए मोबाइल फोन में जब भी हम ड्यूटी पर आएंगे, मोबाइल फोन के लिए हमें बैन किया है। चौथी उससे वो डेंजर बात हो सकती है कि बहुत बार जो होता है कि मोबाइल फोन से ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है कि जैसा आपस में गोली आती है वहां पर गोली आती है। रेलवे चलना जितना इंपॉर्टेंट है, इससे रेल का गार्ड छक्का जो उतना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से अगर कोई तो अलर्ट नहीं है, तो सबको देखो लगता है कि मुझ पर बहुत नींद आलम हो रहा है, तो अपने सहकारी से बोल रहे हो कि भैया आज तो मैं इतनी रेस्ट नहीं ले पाया हूँ, तो थोड़ा आपको भी देखना है, तो वो आदमी जो है ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। तीसरा है कि जो है अगर आपको ये घटना होती है या तंत्र नहीं है, तो आपके ऊपर जो दिया हुआ है एलर्ट एस्पेक्ट है, जो आपको कॉशन तो दिखाता है कि अगर आपको सतर्क होना है, आगे आपको रोग सिग्नल आपको मिलने वाला है, तो आपका जो गाड़ी है अंडर कंट्रोल। ये सब बातें हम आपको बताते हैं रेगुलर लोगों पायलट के जीवन में, लेकिन आज जो सर्जरी भी यहाँ पर आते हैं, तो इसकी इल इफेक्ट जो है आपने जानना जरूरी है। एक ही भावना आपने रखनी है कि मैं आपके पीछे हूँ, उसको आपने इस तरह से सहकार करना है। रूल्स रेगुलेशन को चलते हैं इसमें का एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताना है कि जो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, हम लोग ये यहाँ पर केवल रेल कर्मचारी नहीं, हम देश की सेवा कर रहे हैं। जैसा है कि जैसा मिलिट्री का आदमी होता है, मिलिट्री के आदमी को जो दिखता है कि देश की सेवा कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग बहुत ज्यादा देश की सेवा कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब लॉकडाउन का समय था, कोविड का समय था, पूरा देश बंद हो गया था, मतलब देश बंद था, पूरा कोई मतलब यातायात का कोई साधन नहीं था, लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम था, लोगों को अनाज के लिए प्रॉब्लम था, लोगों को बहुत सारी जरूरतों की चीजों का प्रॉब्लम था, लेकिन उस समय जो है हमारा रेल चला है और देश के अलग अलग ठिकानों में हमने अपना ये दौरान हमारे कुछ लोको पायलट के साथ कुछ हादसे हुए, गलत चीजें हुई है, बट फिर भी रेलवे रुका नहीं है, रेलवे हर रात जो है देश की सेवा करता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो मेरे भाई जो ये काम कर रहे हैं देश सेवा में, तो उतना ही आपका ही हाथ है उसके पीछे जो देश सेवा करने में, तो आप केवल वो बात इनडायरेक्टली कर रहे हो, बट कर तो रहे हो देश सेवा। तो हैट्स ऑफ टू ऑल माय सिस्टर्स। मैं इतनी ही बातें कुछ कहना चाहता हूँ, ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में जाकर स्ट्रेस नहीं था, लेकिन अभी हमारा समय जब है कि जो आप डे टू डे प्रॉब्लम आप फेस करते हो रेल संचालन में, जो आपके भाई आपके जो जो हस्बैंड है या आपके जो आपकी ये है, तो जो रेल संचालन में काम करते, तो किस तरह से आप घर में प्रॉब्लम फेस करती हो और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको उससे ओवरकम कर सकता हो, तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम बोलिए ताकि हम लोग जो है उसमें कुछ सुधार कर सके, या आपको कुछ हमसे गाइडेंस चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू। लोकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट, अच्छी रहेगी तो लोकल का जो है ट्रेन ऑपरेशन का संचालन भी बहुत सुचारू रूप से होगा। तो ये लोकल पायलट में रेलवे ने एक बहुत सारी सूचना जारी की। एक मैं रेलवे जो चलती है, रेलवे के जनरल एंड सब्सिडियरी रूल के हिसाब से चलती है, उसका संचालन जब से लोकल ऑपरेशन होता है, उसमें एक क्लॉज है जीएनए साहब के बुक में, एक उसमें लिखा है कि GR 3.78। हालांकि अभी सभी बहनों को उससे बहुत ज्यादा कतर नहीं, बट ये मेरे भाई जो बैठे हैं उनको मालूम है कि ये GR 3.78 कहता है, 3.78 कहता है कि शुड नॉट फुली ट्रस्ट ऑन द सिग्नल बट यू शुड बी कॉशियस एंड विजिलेंट। इसमें दो महत्वपूर्ण जो शब्द दिए, कॉशियस एंड विजिलेंट। इसका अर्थ ये है कि रेलवे के जो इतने डिपार्टमेंट संचालन करते हैं, किसी ने भी कोई भी अगर गलती करता है, लेकिन रेलवे को उस आदमी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, वो
उससे मालूम है किसी भी अशुभात कोई भी डिपार्टमेंट गलती कर रहा है, तो एक आदमी है जो रेलवे को रोककर उसकी जो है बड़ी होने वाले एक्सीडेंट या बड़ी नुकसान से उसको बचाने का काम करता था, वो है ना लोको पायलट भाई। तो ये लोको पायलट भाई के लिए तालियां से लोगो ऑपरेशन जो है ट्रेन ऑपरेशन का संचालन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट उसको काम करते हैं, सबसे लीडिंग पार्ट जो है वो लोगो पायलट करता है। अब लोगो पायलट की ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये लोगो पायलट जैसा मैडम ने अभी बताया कि आप रिलैक्स होना चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, 5 मिनट में भी आप अपने माइंड को खुद को रिलैक्स कर सकते हो। उसमें लोगो पायलट की इससे ज्यादा जरूरी थी कि ये जो हमारा कर्मचारी है या सरकारी है, हमारा साथी है, वो रेलवे को 24/7 काम सर्विसेज देता है उसमें का, तो उसकी जो सर्विसेज में है वो अगेंस्ट नेचर काम करता है। तो सर मैडम ने बताया अभी कि दिन भरपूर सो भरपूर नींद की आवश्यकता है, लेकिन हमारे ये सरकारी को जो है नींद की बहुत कमतरता मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नींद की कमी हमारे में हो जाती है, जैसा लोग जो है दिन में बहुत सारा काम कर लेते रात में सोते हैं इसमें का। ये उल्टा सी दिखेगा हमारे पास कि हम लोग शाम को भी कभी काम करते हैं, हम लोग रात को भी कभी काम करते हैं, हम लोग सुबह भी 4 बजे खाना खाने वाला आपको आपने मैडम ने नहीं शायद देखा होगा, लेकिन सुबह 4 बजे रात के 3 बजे रात के 1 बजे भी खाना खाता है। तो ये उसकी दिनचर्या में जो है डिप्रेशन बहुत सारे होते हैं। रेलवे संगठन के अंदर जो है ये जो मेरा लोकपाल भाई है इसकी विविधता है, मैं आपको बताऊंगा कि ये विविधता इसी है कि अलग अलग टाइप के जो है इंजिन, मतलब जो है डीजल इंजिन है, हॉर्सपावर के इंजिन है, इलेक्ट्रिक इंजिन है, और जैसा 3 फेज इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोलिक इंजिन है, सब तरह के इंजिन चलाता है, सब तरह के स्पॉक भी चलाता है, मतलब जो आपको जो लगा है पीछे माल, तो पीछे माल की तरह से ये आपको पता नहीं है। जैसा पैसेंजर को स्टॉक्स में आप गाड़ियां चलाते हो तो पैसेंजर स्टॉक्स में नॉर्मल ICF के कोचेस चलाते हो, इलेक्ट्रिक कोचेस चलाते हो, ट्रेन सिस्टम अलग है, सब कुछ चीजें अलग अलग, हर समय उसके लिए एक चैलेंज है, अलग अलग टाइप के इंजन चलाने का, अलग अलग टाइप के स्टॉक चलाने का। साथ में अलग समय जो है कि सिस्टम ऑफ वर्किंग में जो है कि अलग अलग सिग्नलिंग सिस्टम से यहाँ बढ़ता है, सिस्टम ऑफ वर्किंग से अलग जाता है, जैसे ऑटोमेटिक स्टॉक सिस्टम में काम करना पड़ेगा आपको, असल ट्रॉक सिस्टम में काम करना पड़ेगा, वन मैन ओनली सिस्टम में काम करेगा, आईपीएच पे अलग अलग सिस्टम है। साथ साथ में जो है तो उसके समय जब भी ड्यूटी पर आता है उसके दिमाग में एक स्ट्रेस ही बनी रहती है कि आज का मेरा ड्यूटी कैसा जाएगा। साथ साथ में एक पॉजिटिव रेलवे ने काम किया है जो मेरी जो बहनों के लिए बहुत पॉजिटिव देगा इसमें, कि एक जो है रेलवे में ब्रीथ जो है ब्रीथ जो टेस्ट होता है जब भी ड्यूटी पर आता है उसके पहले ब्रीथ देना होता है। तो लोगो पायलट के मन में यह था कि कहीं मेरे हाथ से ऐसी चूक ना हो जाए कि कहीं अल्कोहलिज्म या इंटॉक्सिकेशन का कोई ड्रिंक्स मेरे बॉडी के अंदर आ नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है रेलवे को क्षति पहुंच सकती है। तो यह आपको पॉजिटिव होगा कि कभी भी मेरा लोगो पायलट जो है अंडर इन्फ्लुएंस जो है अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, ये आपके लिए पॉजिटिव बात है। दूसरा है रेलवे संचालन में जो है, आपको मैंने पहले बताया था कि रेलवे संचालन में जो है लोगो पायलट को विजिलेंट एंड अलर्ट रहना है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी जो एक चूक जो है इतना बड़ा नुकसान होता है। जैसा कि आपने देखा है कि रोड ट्रैफिक के अंदर जो है कभी आप सिग्नल गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आप सिग्नल तोड़ देते हो और आगे चल जाते हो, होता है कुछ नुकसान नहीं होता, बट रेलवे के पास जो है लिमिटेड पथ है, लिमिटेड रास्ते हैं, तो लिमिटेड रास्तों के अंदर ही उसको गाड़ियों का संचालन करना है। अगर एक सिग्नल भी उसके हाथ से गलती से भी पास हो गया, एक सिग्नल भी गलती है, तो पता नहीं उसके आगे क्या होगा, उसके आगे भयानक चीज हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, डिरेलमेंट हो सकता है या फोर व्हीलर हो सकता है। तो ये सब चीजों के लिए जो है लोगों पायलट को हमेशा अलर्ट एंड विजिलेंट रहना पड़ता है, तथा साथ साथ में उसकी जो मानसिक स्थिति है वो भी मजबूत बनाना है। तो ये बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मानसिक स्थिति बनाने में जो है ये आपका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है।
तभी उससे कहते हैं जब वो ड्यूटी पे जाता हूँ तो उसको कहो कि आप जाओ ड्यूटी इस तरह से करो कि आपका नाम होना चाहिए, आपको जो है आपको पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको ड्यूटी करना है। यहाँ पर आपके मुझे जैसा शाहरुख खान का डॉलर है मैं हूं ना, आप ये कहकर देखो एक बार कि आपके जब मैं हूं आप जाओ तो लोगों पर देखो किस तरह से काम करेगा और किस तरह से उसको अनुभव क्यों भाई सही है।